मेरा जो पार्ट है वो गोबरानंद जी का है, एक पॉलिटिशियन है जिन्हें कुछ एक मतलब है जो सबका होता है आज की दुनिया में, और वो उस मतलब के लिए कैसे लोगों को और उस इस पूरी व्यवस्था को मैनिपुलेट करते हैं। मेरा कैरेक्टर वो कि कभी वो बहुत अच्छा है और कभी उसकी कनिंगनेस, जो एक आदमी का अपना स्वार्थपना है, वो निकलता है उसके अंदर। सर आप बताइए कुछ। ये पूरा फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करने का मेन मोटिव ये था कि मैं देखता हूँ कि जब बारिश हो रही होती है लोग मैदान में फुटबॉल खेल रहे होते हैं, तो क्यों ना थिएटर हम लोग करें, ऑडियंस आती है, और स्पेशली बॉम्बे जो शहर कभी रुकता ही नहीं है, चलता ही रहता है, चाहे बारिश हो कुछ हो, ऑफिस उसी समय खुलेगा जो उसका टाइम है, और उन दिनों थिएटर थोड़ा कम हो रहा होता है, और मैं थिएटर बैकग्राउंड से हूँ तो मुझे लगा कि ये करना चाहिए, इसलिए मैंने वीरेन से बात करी, अरविंद सर से बात करी, अरविंद जी के साथ मैंने थिएटर किया है, वीरेन के साथ मैंने थिएटर किया है, वीरेन मेरा को एक्टर था, तो हम लोगों ने प्लान किया कि कुछ करते हैं, तो अब सारी चीज़ें आ रही है सामने। सर एज एन एक्टर हमने देखा कि आप मतलब जैसे पॉलिटिशियंस करते हैं कि धर्म के नाम पे लोगों को, तो आपको लगता है कि वो मैसेज जाएगा लोगों तक और लोग कहीं ना कहीं अवेयर हो गए इस बात को? तो उनके दोस्त हो, या अगर आप उनको बिलोंग करते हो तो आपके दुश्मन। आज की डेट में कंट्री की यही हालत हो गई है कि अगर मैं इस पार्टी का हूँ तो मैं उसका दुश्मन हो गया हूँ, उस पार्टी का हूँ तो मैं सोशल मीडिया पे उसका दुश्मन हो गया हूँ। भले ही शाम को दोनों एक साथ बैठ के सिगरेट पियेंगे वो बात अलग, लेकिन सोशल मीडिया पे ऐसे लड़ते हैं जैसे कि वर्ल्ड वॉर 3 होने वाला है। अगर इस प्ले की बात करें, कैसे प्रिपेयर करते हैं आप लोग सब लोग? जैसे हमने देखा कि पूरा वन टेक में प्ले होता है, यहाँ पर भी हमने देखा कि बहुत अच्छे से किया आप लोगों ने, तो कैसे प्रिपेयर करते हैं आप सब मिलकर? उसके लिए सिर्फ वीरेन सर या जो भी डायरेक्टर है वो, नो डाउट वीरेन सर हम लोगों के पीछे बहुत लगते हैं, और सेकेंड सपना मैम, और उसके अलावा कुछ नहीं है, बस ये करो ऐसे करो, करते जाओ, रुको मत, जस्ट कैरी ऑन मूव ऑन, और अपना बेस्ट देते जाओ, उसके अलावा कुछ नहीं है। एक्टर का अपना कुछ नहीं है, सब डायरेक्टर का है और उनके पीछे जो है वो है उनका। ऐसा नहीं है, इस रिहर्सल में ये एक्टर भीगते हुए आते हैं, डायरेक्टर सिर्फ बताता है, मेहनत एक्टर करते हैं। तो सारा क्रेडिट डायरेक्टर को मत दो, एक्टर्स के लिए भी कुछ छोड़ो।